हेलो अरुण, घर पहुंच गए क्या? जेठ जी के साथ ऑफिस भी पहुंच गए? मेरी याद आई? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम एक दो दिन और रुक जाते। अच्छा ओके ओके, बाद में बात करते। आसपास कोई काम होता और वो यही काम करते तो कितना अच्छा होता। उनकी याद में अकेलापन महसूस ना होता। अरे क्या हुआ चाची, इतनी उदास क्यों? उदास तो होगी ही, तुम्हारे चाचा का फोन आया होगा। क्या चाची, अभी चाचा को गए हुए से फेंक ही दिन हुआ है और अब उदास भी हो गए। वही तो मैं कह रही हूँ, ज्यादा सोचेगी तो बीमार हो जाएगी। बीमार हो जाएगी तो क्या हुआ सोनम भाभी, मेरी मेडिकल स्टोर कब काम आएगी? बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई लाकर डाल दूंगा भाभी के कदमों में, दो ही खुराक में एकदम फिट। मेरे रहते हुए भाभी को तेरे मेडिकल की दवा खाने की क्या जरूरत? और वैसे भी भाभी, जो जितनी दवा खाता है ना उतना ही बीमार होता है। ये तो है। तू जाके अपना मेडिकल संभाल, हम अपनी भाभी को संभाल लेंगे। चल जा। वैसे मैं क्या कह रहा था भाभी, मेरी बीवी को गए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, और मैं भी तो रह रहा हूं ना, और वैसे आप भी रह लो, क्या कहते हो, एक बार कोशिश करके तो देखो। क्या हुआ प्रियंका, अभी तक सोई नहीं? कुछ नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही है। अच्छा समझ गई, होता है जब श्रुति के पापा भी 1 महीना रहकर जाते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती। हाँ दीदी, अचानक से अकेलापन काटने को दौड़ता है। वो तो है, पर ये सोच कि वहाँ तेरे पति के साथ मेरे पति है, तेरे पास तो मैं हूँ, श्रुति है, और हमारे देवर के बारे में सोच। बेचारा रोहित अकेले कैसे रहता होगा, दिन में भी और रात में भी। दीदी मैं सोच रही हूँ क्यों ना रोहित के मज़े लिए जाए। कैसे? देखो उसने जो साड़ी गीता को गिफ्ट की थी वो मेरे पास है रफू करने के लिए, मैं सोच रही हूँ वो पहन के जाती हूँ, अंधेरे में उसे पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि गीता आई है, बहुत मजा आएगा। तू और तेरी शरारतें तू ही कर। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तेरे जो मन में आए वो कर, मुझे आ रही है नींद, श्रुति मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चली सोने। नींद नहीं आ रही, कौन? हमें नहीं, हमें दी हुई साड़ी को भी नहीं पहचानते। गीता तुम अचानक से यहाँ, बताया भी नहीं तुमने। हाँ उस दिन सोनम दीदी से बात हुई, कहने लगी तुम बहुत याद करते हो हमें, तो आ गए। याद तो हम तुम्हें करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, काफी बदली बदली सी लग रही है। शाम को निकले थे ना तो रास्ते में ठंड से गला क्या करें, लगता है हमें देख के खुश नहीं हुए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम खुश तो हैं, बस वो अचानक से तुम्हें देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गए थे। आओ ना इधर। कैसी हो तुम? भाभी आप? अब भी नहीं समझे प्यारे देवर। भाभी मुझे लगा गीता है, वो साड़ी गीता की ना। तुम्हें यही तो समझाने आई थी ये साड़ी पहनकर, कैसा मजा लिया। क्या भाभी आप भी ना, तड़पते दिल को और तड़पाने आ गए, ऐसे कौन करता अपने देवर के साथ। जैसे तुम गीता की याद में तड़प रहे हो, मैं भी तुम्हारे भैया की याद में तड़प। उनकी याद आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे मजे ले लूं। चलो अब मैं सोने जाती हूँ, तुम अपनी बीवी के प्यारे प्यारे सपनों में खो जाओ, बाय। क्या भाभी, खत्म हो गई तेरी शरारत? अरे पूछो मत दीदी, पहले तो उसको लगा मैं ही गीता हूँ, पर जैसे ही मैंने कमरे की लाइट जलाई हड़बड़ा गया एकदम। तूने तो मजे ले लिए, उस बेचारे के बारे में सोचा है कि उसकी क्या हालत हो रही होगी? चल अब जाओ और सो जा। Thank you.
तुम्हें यही तो समझाने आई थी ये साड़ी पहनकर। कैसा मजा लिया? कैसी हो तुम? क्या हो रहा है मुझे? क्या सोच रही हूँ मैं सब? श्रुति, 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 चल चल के फ्रेश हो जा। कितनी देर से आवाज दे रही हूँ तुझे? सुन, अरे अरे क्या कर रही हो दीदी? ये ना, जब तक किसी चाबी ना भरो ना, बोल घुमाओ तेरी चाबी। छोड़ो छोड़ो, जब देखो जब डांटती रहती हो हमारी प्यारी बेटी को। भाभी सही कह रही है, अगर डांटना ही है ना तो प्रियंका भाभी को डांटी है। आपको पता है इन्होंने कल मेरे साथ क्या किया? हाँ पता है, गीता बन के कल इसने तेरी टांग खींची ना, जाने से पहले बताया था इसने मुझे। हद है भाभी, आपको पता था आपने फिर भी इनको आने दिया, और तू श्रुति की बच्ची ज्यादा हंस रही है। सॉरी, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा। बस बस रोहित, कुछ दिनों की बात और है, एक बार तेरा गौना हो गया फिर तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं भी यही चाहता हूँ, गौना का दिन जल्दी खत्म हो और गीता जल्दी वापिस आए। और वैसे भी मैं गीता के बिना तो बोर हो जाता हूँ। अब बोरियत दूर करने का तो एक ही तरीका है, जैसे हम घरेलू औरतें घर का काम कर लेती हैं, ऐसे तुम भी कोई काम ढूंढ लो अपने लिए। अरे काम से याद आया दीदी, मैं सोच रही थी सफाई कर लूं, पर इतना हैवी सामान ना मुझसे नहीं उठता है, इसलिए। तो ये है ना, ये कब काम आएगा भाई? कल इसका गौना हो जाएगा तभी हम भाभियों की सेवा कहाँ कर पाएगा। जाओ भाई रोहित, मदद करो इसकी। ऐसी बात नहीं है भाभी, बीवी अपनी जगह और भाभी अपनी जगह। तो चलो सामान उठाने में मेरी मदद करो। इसे क्या देख रहे हो? वो भाभी मैं कह रहा था कि आपको पता है कल रात आपके जाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। नींद तो मुझे भी नहीं आई रात भर। वैसे तुम चाहो तो बदला ले सकते हो मुझसे। क्या भाभी, कैसा बदला? अब और मजे मत लो, मुझे बताओ कौन सा सामान कहाँ रखना था। ये सामान उठाकर वहाँ बेड पे रख। क्या हुआ, हेल्प करने आए थे ना? समझा नहीं भाभी। घबराओ मत, ना भारी भी नहीं है ये सामान। भाभी बोल रही हो दीदी, चोट लग गई है हमारी बच्ची को। चोट लगी है, जरा सा छिला हुआ है। अरे कोई टेंशन नहीं है प्रियंका भाभी, मेरी मेडिकल स्टोर कब काम आएगी? चलो दवाई दे देता हूं। कोई जरूरत नहीं भैया, मामूली सी चोट है, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। सोनम भाभी चोट लगी है। सही कह रही है, इतनी मामूली सी चोट के लिए दवा की क्या जरूरत, और इतनी छोटी चोट की दवा तो घर पर पड़ी रहती है ना। श्रुति तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें दवा लगाता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी, चोट लग गई है हमारी बच्ची को, एक ही तो बच्ची है हमारी, टिटनेस विटनेस हो गया तो। आओ श्रुति मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। तुम लोग फालतू ही परेशान हो रहे हो, मामूली सी चोट है। ये रोहित,
शर्म नहीं आती इसे। जवान मुस्टंडा हो गया है, शादी भी हो गई है, उसके बावजूद अपने मुंह बोले बड़े भाई के यहाँ जमा हुआ है। पता नहीं कब जाएगा, हमेशा 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 मेरे बीच में आता है। अगर ये नहीं होता तो आज आज प्रियंका भाभी मेरी बाहों में होती। खैर, कब तक बकरी की अम्मा खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो मेरे हाथों में आएगी। बस तो चाची बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, बस दो मिनट, बस अभी ठीक हो जाएगा। ला मुझे दो। तुम मेरी बच्ची का दर्द घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो? कितने दर्द हो रहा है उसको। प्यार से आप श्रुति का मरहम लगा रहे हो, कोई समझ नहीं सकता कि श्रुति आपकी सगी बेटी नहीं है। कैसे नहीं मानेगा, हमारी बेटी है श्रुति। देखा ऐसे लगाते हैं दवाई, एक भी सिस्कारी भरी इसने दर्द से। थैंक यू चाची, थैंक यू चाचू। हम मैं जाती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। आप आओ तब तक मैं अपनी गेम कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लड़की भी ना, जब देखो तब गेम गेम गेम, इसीलिए सोनम दीदी से डांटती है। सोनम अभी से डांटती है वो बात तो अलग है, लेकिन जो अपनी गेम कंप्लीट नहीं करता ना वो कभी खुश नहीं रहता। और मैं अपनी गेम हमेशा कंप्लीट करता हूँ। गेम? कौन सी गेम? तुम बच्चे हो। वही गेम जो रात को अधूरी रह गई थी हम दोनों की। वैसे तो कमरे के बाहर ही काम करता रहता है। ओफो, कहाँ चला गया ये रोहित? और श्रुति भी नहीं है, वरना उसे ऊपर भेज के बुला लेती। क्या हुआ? बड़ी देर से देख रही हूँ यहाँ वहां घूम रही है। कुछ नहीं दीदी, बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी सफाई कर लूं। अब हैवी सामान उतारने के लिए तो देवर को ही बुलाना पड़ेगा ना, तो वही देख रही थी शायद रोहित आ जाए। अब भूल जा कि वो हमारे कोई काम आएगा। क्यों? अरे क्योंकि आज उसका गौना जो है। क्या? अरे आज सवेरे सवेरे उसकी सास का कॉल आया था, अपनी बीवी को लेने गया है। अचानक से? हमें बताया भी नहीं। अरे वो बताने के लिए आया था पर तू सो रही थी इसलिए मुझे बता के चला गया। तू क्या सोचने लगी? चल चल के फ्रेश हो जा, रेडी हो जा। भाई अब एक ही घर में रहते हैं तो क्या हुआ, रस्म तो निभानी पड़ेगी ना, आखिर हमारी देवरानी जो आ रही है। चल। अच्छा हुआ गीता तुम आ गई, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता था तुम्हारे बिना। झूठी, अगर अच्छा नहीं लगता तो पहले क्यों नहीं आई? तुम्हें कहाँ लेने आए थे मुझे? अच्छा तुम्हारी मम्मी का मुझे आज फोन आया और देखो मैं आज ही लेने आ गया। और रही बात मेरे प्यार की, तो मैं सोच रहा हूँ शुभकाम में देरी कैसी, रात का इंतजार क्यों करें? दरवाजे पे क्यों खड़ी है, चलना। भाभी आइए आइए। आइए आइए क्या, अब तो आ ही गए। तुझे क्या लगा तू हमें नहीं बुलाएगा?
तुम अपनी देवरानी से मिलने नहीं आएंगे? हाँ? कुछ भी कहो, आज भी पहले दिन वाली ताजगी है इसके चेहरे पे। तू क्या सोचने लगी गिफ्ट नहीं देगी? सोच रही हूँ, देवर ने तो हमें बुलाया ही नहीं, बीवी के आते ही हमें भूल गया। नहीं भाभी, वो ऐसी बात नहीं है। खैर, पहली बार माफ किया, पर आगे से भी हमारा वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा जैसे पहले रखते थे। पर आगे से भी हमारा वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा जैसे पहले रखते थे। क्या हुआ, शॉक हो गए? कहीं नहीं। प्रियंका, प्रियंका, हाँ मैं वो बोल रहा था कि तुम प्रियंका भाभी से मिली, कैसे लगी वो तुम्हें? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। तुम भूल गए, जब मैं शादी करके आई थी तो रोज ही उनके घर आया जाया करती थी। अरे आप देखो ना, मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ, कितना बड़ा बुलक्कड़ हूँ मैं। तुम छोड़ो उसको, तुम इधर आओ आराम से। अरे भाभी आप यहाँ सीधा नींद से उठकर आ गए क्या? Shut up, पूरी रात इंतजार कर रही थी, आए क्यों नहीं? भाभी कैसे आता अंदर, गीता थी। गीता, गीता, सीधा क्यों नहीं बोलते? नई बीवी के आ जाने से पुरानी बीवी को भूल गए हो। अजी सुनते हो, जरा यहाँ तो आना। बोलो ना क्या काम है। रूम में आओगे तो ही बताऊ। तक ये गीता यहाँ रहेगी ना, वो उसी के उपदेश सुनता रहे। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि वो अपने मायके वापस चली जाए। अरे भाभी आप आइए बैठ। और बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ, पूरे दो दिन हो गए तुम मिलने ही नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। क्या बताऊँ भाभी, इन्होंने पूरे घर को कबाड़ा बना रखा था, सवारते सवारते ही दो दिन लग गए। सोनम दीदी ने बोला था रोहित को कि घर साफ कर दे, पर उसने बोला कल कर देना, कल कर देना। आज तक उसका कल नहीं आया। पता नहीं इनका दिमाग कहाँ रहता है भाभी, अब कल रात को ही मेरे साथ रोमांस करते करते आपका नाम ले लिया। अच्छा, इसका मतलब आग वहां भी लगी है? हाँ, मैंने पूछा तो कहने लगे प्रियंका भाभी तुम्हें कैसी लगी। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो शादी के बाद आया ही करती थी ना रोज आपके घर। पता नहीं उनका दिमाग कहाँ रहता है। तुम ज्यादा मत सोचो, अकेले रहते आदमी का दिमाग भटक ही जाता है, तो जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसका दिमाग भटक जाए, वो भी गाँव की किसी और औरत पे। औरत? कौन सी औरत? रहने दो, मेरा ही देवर है, मैं क्यों उसके खिलाफ बोलूं? तुम ही उस पे नजर रखना, कहीं रात में किसी और पे मुंह ना मारे। चलो मैं चलती हूँ, तुम जरूर आ। अरे भाभी आप यहाँ? हाँ, तुमसे ही मिलने गई। तुम नहीं मिले तो गीता को उपदेश देके आई हूँ। समझा नहीं। ज्यादा ना समझ मत बन, पूरे दो दिन हो गए तुम मिले नहीं। अगर यही सब करना था तो मुझसे रिश्ता क्यों बनाया? लेकिन भाभी मुझे पता थोड़ी था वो अचानक से यहाँ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक है, मेरे पास तो दो दो है, फिर भी मैं किसी ना किसी बहाने से तुमसे मिल लेती हूँ। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, आज रात तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर नहीं आए तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना।
ठीक है मेरी माँ, मैं जरूर आऊंगा। उससे पहले कि गीता यहाँ आए, आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। बस आज रात की जिद आओ, बस एक बार तुम्हारी बीवी तुम्हें मेरे साथ देख ले, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसका दिमाग भटक जाए, वो भी गांव की किसी और औरत पे। रहने दो, मेरा ही देवर है, मैं क्यों उसके खिलाफ बोलूं? तुम ही उस पे नजर रखना, कहीं रात में किसी और पे मुंह ना मारे। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। तो फिर दो दिन आए हुए हमें और इतनी दूरी? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। आज रात तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा, और हाँ, अगर तुम नहीं आए तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। एक काम याद आ गया, मैं 5 मिनट में आता हूँ, प्लीज। पक्का 5 मिनट में आ जाओगे? हाँ 5 मिनट में आता हूँ। मैं चाहती तो तुमसे पूछ भी सकती थी कि ऐसा कौन सा काम है जो बीवी को छोड़कर काम करने जा रहे हो, पर लगता है प्रियंका भाभी ने सच ही कहा था। चले गए, अभी तो यही थे। ये आवाज, ये तो प्रियंका भाभी का रूम है। कहाँ गए थे? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ? मैंने पूछा कहाँ गए थे? अभी तो बता के क्या? कोई काम याद आ गया था, बस वहीं से आ रहा हूँ। कौन सा काम? मतलब? प्रियंका भाभी से मिलने का काम? जी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर अगर किसी को कहेंगे ना तो उसको यकीन नहीं होगा। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती ना तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। गीता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और वो तुम्हारी भाभी, शर्म नहीं आई उसे? दोपहर को आई थी मुझसे मिलने, कह रही थी कि तुम पे नजर रखूं क्योंकि तुम्हारा गांव में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पर उसने साफ साफ क्यों नहीं किया कि तुम्हारा चक्कर उसके साथ चल रहा है? तब मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम एक बार बैठ के मेरी बात सुन लो। सफाई देने से कुछ नहीं होगा क्या? तुम्हारा तुम्हारे मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर हो सकता है, तो क्या मेरा मेरे मायके में किसी के साथ चक्कर नहीं हो सकता? नहीं गीता। और अगर नहीं भी है ना तो अब मैं बनाऊंगी, और तुम देखना
गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीता, ऐसा कुछ नहीं है। सुनने सुनाने को कुछ नहीं रह गया, बहुत देर हो चुकी है गीता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जब तुम सामने से। गीता गीता एक मिनट, एक मिनट बात तो सुनो। छोड़ो मेरा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम देखना मुझे मेरे मायके में किसी और के साथ। लेकिन गीता गीता मेरी बात तो सुनो। गीता 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 दरवाजा खोलो। कहाँ गया ये रोहित, देख क्यों नहीं रहा? तय मेरी लगाई हुई आग का असर नहीं हुआ अभी तक। श्रुति, तुम्हारे रोहित चाचू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें टहलते हुए देखा था बाहर। तो बुला के लाओ, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बुला के लाती हूँ। रोहित चाचू ये देखो आ ही गए, मैं खेलने जाऊँ? जा। गीता हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है, और वो भी तुम्हारी वजह से। जी तो चाहता है अभी इसे पूछूं आखिर मेरा किसी और से चक्कर कहकर उसे अपना चक्कर दिखाने की क्या जरूरत थी। क्या हुआ रोहित, गीता की याद में खोए हो? हाँ। कब तक खोए रहोगे? आज नहीं तो कल वो चली जाएगी, तब तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। कहाँ खोई हो? कहीं मेरे ख्याल में तुम ऐसे क्या दिख रही? तुम्हारे पति आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि प्रियंका भाभी को किसी चीज की कमी लगी, वो कमी मैं पूरी करता हूँ। मुझे किस चीज की कमी? बहुत दिन हो गए, दिल की बात कब तक दिल में रखूं? सोच रहा हूँ आज दिल की बात कहीं। देखो तुम्हारा पति तो कमाने के लिए शहर गया है, धन की जरूरत तो पूरी कर देगा, मगर तन? तन की जरूरत अगर पूरी करनी है तो मैं हेल्प करूं। क्या कहा तूने? भाभी, भाभी। तो जैसे पापी इंसानों की वजह से ही औरतें घर में अकेले रहने से डरती हैं, और पति बाहर कमाने गया है तो क्या बीवी कहीं भी मुंह मारती फिरेगी? नहीं नहीं भाभी, भाभी गलती हो गई, प्लीज मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी, प्लीज सॉरी। मजाक कर रहा था? अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो तू, तेरा घर और तेरी वो मेडिकल स्टोर सब यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाभी, प्लीज माफ कर दीजिए भाभी, भाभी प्लीज। तू चल मेरे साथ। दीदी आपने तो उसे बोलकर अपनी भड़ास निकाल ली, पर मैं सोच रही हूँ काश मैंने भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारी दिया होता। तो जा और जाकर उसे कस के एक थप्पड़ मार के आ। जा। अभी मार के आ। गौरव। वो क्या वो? भाभी वो गलती हो गई। मेरे लिए गाली नहीं खा सकते? ऐसे रात में दीदी और श्रुति हॉल में सोती है और मैं रूम में अकेली, कभी कभी रूम का पिछला दरवाजा खुला रह जाता। प्रियंका प्रियंका, बड़े दिनों बाद आज सपना पूरा करोगे तुम मेरा। अरे रोहित, अरे यार ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कहीं सोनम भाभी ने इससे मेरी शिकायत तो नहीं करती? अरे यार ये बहुत मारेगा। सॉरी रोहित। सॉरी क्यों सॉरी? वो प्रियंका भाभी की, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो? जर्नुम में जा रहा हूँ, चलोगे? भाभी तुमने मेरा घर उजाड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब बहुत जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम कहीं चुप चुप जाके
एक काम करो, बात कुछ भाभी, मुझे रास्ता तो मुझे अंदर आना है। अभी बहुत रात हो गई, अभी तुम जाओ। भाभी रात हो गई है तो क्या है, रात में ही तो देखो, तुम अभी जाओ, कल सुबह बात करना। आज से पहले यही रट लगाई होती थी, लेकिन आज अचानक ये सब क्यों? पहले तुमने बहुत इंतजार कराया ना, अभी तुम इंतजार करो, चलो अब जाओ। भाभी भाभी मुझे अंदर आना, मुझे बात करनी है कुछ। भाभी भाभी दरवाजा खोलो। आखिर तुमने मुझे इनकार क्यों कर दिया आज? तुम्हारी वजह से वो गीता भी अपने मायके चली गई है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह तो उठती नहीं है। श्रुति, 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 कहीं कहाँ ये लड़की? श्रुति, प्रियंका, तूने श्रुति को देखा क्या कहीं? सोती तो मेरे साथ है, पर सुबह उठी तो दिखी नहीं गई। पूरा घर देख चुकी हूँ, कहीं मिली नहीं रही है। हर जगह देख लिया? हाँ सब जगह देख लिया। गार्डन में देखते हैं ना एक बार। चल। श्रुति, 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 रोहित, रोहित, तुमने श्रुति को देखा कहीं? नहीं भाभी, क्या हुआ? कहीं गीता के पास तो नहीं आई ना? भाभी गीता, भाभी गीता तो अंदर अकेली है। तुम्हें तो पता है ना कि श्रुति ऐसे बिना बताए कहीं जाती नहीं है, तो फिर कहाँ गई? एक काम कीजिए, आप लोग वहां देखिए, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। श्रुति, हेलो, मैं श्रुति की माँ बोल रही हूँ, बोलिए। झाड़ी, आप ठीक से बोलिए, झाड़ी मतलब क्या? श्रुति, दीदी, अभी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ, किसका फोन था? श्रुति, श्रुति को क्या हुआ? श्रुति को भाभी बोलो क्या हुआ? मेरी मेरी बेटी श्रुति, क्या हुआ हमारी श्रुति को? भाभी मेरी मेरी बच्ची श्रुति, तो बोलो ऐसे रो मत। प्रियंका मेरी श्रुति, 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 श्रुति मेरी बच्ची, उठो। क्यों नहीं रही है तू? अरे दूर हटिए आप लोग। कैसे दूर रहेंगे हम अपनी बेटी से? आप दोनों सब ये श्रुति की माँ और ये उसकी चाची। अच्छा चाचा, देखिए आप इन दोनों को संभालिए, मुझे लाश को पोस्टमार्टम के भेजना है। श्रुति मेरी बच्ची, तो तुमको तो पता है ना, ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। मैं ये नहीं रह पाएगी अकेले में। नहीं, हमारी श्रुति कहीं नहीं जाएगी। प्रियंका भाभी संभालिए खुद को। कहीं नहीं जाने दूंगा, ये कहीं नहीं जाएगी ना प्रियंका, कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाएगी। मेरी बेटी हमारे पास ही रहेगी। जाने दीजिए भाभी, उन्होंने नहीं, कहीं नहीं जाएगी। पता है ना कि श्रुति अकेली नहीं रह सकती। हाँ संभालो तू उसको, अकेला छोड़। कौन कर सकता है ऐसा? किसका काम है ये? किसने मारा मेरी बच्ची को? तुझे तो पता है ना कि
उसकी नींद कितनी कच्ची थी, जरा सी आहट होती थी तो उठ जाती थी, तो फिर उसे उठा के ले गया, उसकी नींद कैसे नहीं खुली? मुझे लगता है कि ये गौरव का काम है, उसकी नजर तुम पर थी इसलिए मैंने उसे उस दिन इतना बेइज्जत किया। और तुझे याद है तू भी उसे थप्पड़ मारने गई थी, जरूर इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी श्रुति को, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीदी दीदी भाई, दीदी का शक सही तो नहीं? मुझे रात में बोल ही रहा था अगर ख्वाहिश अधूरी रह जाए श्रुति तो मेरी बेटी जैसी थी, ऐसा काम करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा भाभी प्लीज। अब आप बार बार मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? कभी कभी सांप हमारे आस्तीन में पलता है और हम बाहर भी बजाते रहते। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, वो जो है अपना निकम्मा निठल्ला जो छोटी मोटी नौकरी करता है, कल मैंने उसे आधी रात में बाहर घूमते हुए देखा था। अब बताइए जिसकी नई नई बीवी हो वो आधी रात को बाहर क्या कर रहा था? पूछिए उससे, जाके पूछिए ना। दीदी ये दो चार लात घूंसे खाएगा ना अभी सब सच बताएगा। जल्दी बता, बता सच बता दीदी, सच में कुछ छुपा रहा है। मैंने मारा श्रुति को, मैंने किया श्रुति का रेप, उससे गलती हो गई भाभी मुझे माफ कर दो। तुमने मगर क्यों रोए? तुम तो उसके चाचा थे ना, उससे कितना प्यार करते थे तुम, हाँ? ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? भाभी ये मेरे पापों की सजा है जो हमारी बेटी को मिली है। हमारे पापों की सजा मतलब? मेरे और रोहित के बीच गलत संबंध थे क्या? पर इस सब में मेरी बेटी की क्या गलती थी? हाँ हाँ भाभी, मैं गया था उस रात प्रियंका के कमरे में, उस रात गया था मैं भाभी, लेकिन इसने कुत्ते की तरह बेइज्जती करके मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, हर दिन इसने मुझे बदनाम किया मेरी बीवी के सामने, मेरे और इसके नाजायज रिश्ते को इसने बता दिया सब कुछ भाभी। वो सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकाला वो भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब मैं इसके कमरे से बाहर आया तब मैंने गौरव को देखा इसके कमरे से बाहर आते हुए। उस वक्त भाभी मैं अपना इतना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया भाभी। उस वक्त मैंने सोच लिया था इन दोनों को तो मैं सजा दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर भाभी मेरे पास एक ही मोहरा था, वो थी श्रुति, क्योंकि ये श्रुति को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। और अगर श्रुति को कुछ होता ना, तड़प तड़प इसके अंदर दिखती भाभी, मुझे इसके चेहरे में तड़प दिखती। इसीलिए उस रात मैंने श्रुति को बेहोश करके अपना सारा गुस्सा शांत कर दिया, अपनी सारी आग बुझा दी भाभी। अभी खुद को शांत करने के बाद जब श्रुति रो रही थी, मैं उसे माफ करना चाहता था, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाभी वो मेरा सच सबके सामने लाना चाहती थी, वो मेरी और बदनामी करनी चाहती थी भाभी। मैं कैसे माफ कर देता, मैं कैसे माफ कर देता भाभी उसे? मैंने अपने इन्हीं हाथों से श्रुति का गला दबाकर उसे उस पुल के पार फेंक दिया भाभी। गला घोट कर जिंदा नहीं छोडूंगी मैं, नहीं भाभी जिंदा नहीं छोडूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोडूंगी मैं तुझे, जिंदा नहीं छोडूंगी मैं तुझे, जान ले लूंगी मैं। छोड़िए मैडम छोड़िए,
गौरव ने मुझे फोन करके सब बता दिया था, इसको तो मैं देखूंगा। पागल, पागल, सर मुझे माफ, माफ। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मेरी बच्ची प्रियंका, मेरी बच्ची की क्या गलती थी सब में, क्या गलती थी मेरी बच्ची? गलती श्रुति की नहीं दीदी, मेरी थी। मुझे समझना चाहिए था कि किसी के साथ भी अपने गलत संबंध इतने नहीं बढ़ाने चाहिए कि जब उसकी भूख ना मिटे तो वो उसे पूरी करने के लिए कोई गलत कदम उठा ले।